बात करेंगे भारत के परिचय की। भारत का शुरुआती परिचय देखते और जानेंगे भारत की सीमाओं के बारे में, भारत की स्थलीय सीमाएं और भारत की जलीय सीमाएं कौन कौन सी है, जो कि आपको सामने दिख रहा है भारत का मैप दिख रहा होगा। और इसी को अपन क्या करेंगे, एक ग्राफ के माध्यम से ज्योग्राफिकल देखेंगे, इस मैप के माध्यम से क्या समझेंगे कि किस प्रकार से भारत की सीमाएं कौन कौन से देशों से मिली हुई, चाहे तो वो जलीय सीमाएं हो चाहे स्थलीय सीमाएं। तो सबसे पहले भारत के बारे में बात करते हैं। भारत जैसा कि जानते हैं कि एशिया महाद्वीप में एक बड़ा देश है। यह अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो विश्व में सातवें नंबर पे आता है। ठीक, भारत की जो आकृति है वो चतुष्कोणीय है। अगर हम इसकी सीमाओं की बात करें, सबसे पहले भारत की सीमाओं की बात करें कि सीमाएं, और भारत की सीमाएं दो प्रकार से बांटी गई है, कौन कौन सी, स्थलीय सीमाएं और जलीय सीमाएं। जैसे स्थलीय सीमाएं कौन सी सीमाएं होती है, स्थलीय सीमाएं वह सीमाएं होती है जिसमें पड़ोसी देश स्थल भाग से जुड़े होते हैं, और जलीय सीमाएं वो सीमाएं होती है जिनमें पड़ोसी देश जलीय सीमा जुड़े होते हैं, मतलब जल के द्वारा उनकी सीमाओं का निर्धारण होता है। अगर हम भारत के अगर मैप के हिसाब से देखा जाए तो मैप के हिसाब से अगर बात करें कि भारत की जलीय सीमाएं स्थलीय सीमाओं की बात करते हैं पहले, तो स्थलीय सीमाएं कौन कौन सी हैं, तो इसमें देखते हैं कि कौन सा देश पड़ोसी है पहले, तो इसके बाद एक ही बार में अपन को याद हो जाए। तो सबसे पहले बात करेंगे यहां से, अगर हम बात करें तो यहाँ पे कौन सा देश है, पाकिस्तान है। ठीक, कौन सा देश है, पाकिस्तान है। और पाकिस्तान के ही पीछे और यहाँ थोड़ी सी लाइन बनती है जिसका नाम है अफगानिस्तान। क्या नाम है, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान की बात करते हैं। ठीक, पाकिस्तान अफगानिस्तान, अफगानिस्तान वो है देश है जो सबसे कम सीमा बनाता है। अब इसके बाद बात करें अपने यहां से, तो यहां से लेके यहां तक एक बड़ा देश है जिसका आप लोग अच्छे से जानते हो, उसका नाम है चीन। ठीक, तो ये वाला देश है चीन, जो कि भारत की उत्तर दिशा में स्थित है। अब हम और पड़ोसी देशों की बात करें तो दो छोटे देश भी हैं भारत के यहाँ पड़ोसी, एक का नाम है यहाँ पे नेपाल, एक का नाम क्या है, नेपाल, और एक का नाम यहाँ पे है भूटान। ठीक, इसका नाम है भूटान। तो अभी तक अपन ने कौन कौन से देखे, पाकिस्तान पहले नंबर पे, दूसरे नंबर अफगानिस्तान, तीसरे नंबर पे चीन, ठीक, और चौथे नंबर पे नेपाल, पांचवें नंबर पे भूटान। ठीक, अब और अभी जगह दिख रही है, और जगह देखिए तो यहां से इस तरफ को एक देश है जिसका नाम है म्यांमार। क्या नाम है, म्यांमार। और म्यांमार वह देश है जो पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था, बर्मा के नाम से जाना जाता था। अगर हम एक और देश की बात करें तो यहां से अपन को पता है अगला देश कौन सा है, उनको पता है उसका नाम है बांग्लादेश। कौन, क्या नाम है, बांग्लादेश। और बांग्लादेश वह देश है जिसकी स्थलीय सीमा भारत की सबसे अधिक बांग्लादेश से मिलती है। किससे मिलती है, बांग्लादेश से मिलती है। अगर हम देखो इनकी गिनती करें, पहला कौन सा है, पहला नंबर पे पाकिस्तान हो गया, दूसरे पे अफगानिस्तान, तीसरे पे चीन हो गया, चौथे पे नेपाल हो गया, पांचवें भूटान हो गया, और छठवें पे म्यांमार हो गया, और सातवें पे कौन हो गया, बांग्लादेश हो गया। तो हमें क्या है, केवल सात ही देश दिख रहे हैं। इसका मतलब है कि ये सात देश भारत के स्थलीय सीमा बनाते हैं। कैसी सीमा बनाते हैं, स्थलीय सीमा बनाते हैं। और इसके साथ साथ अपन एक बात और ध्यान रख सकते हैं कि जैसे कि मैप से समझ रहे हो, मैप से समझ रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यह होगा कि पाकिस्तान किस दिशा में, अफगानिस्तान किस में है, चीन किस में है, इससे अपन दिशाओं का निर्धारण कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि ऊपर की तरफ कौन सा है, उत्तर दिशा, और इस तरफ कौन सी है, पूर्व दिशा है, एक कौन सी दिशा है, पश्चिम दिशा है, और नीचे दक्षिण दिशा होती है, तो दिशाओं का भी ज्ञान मिल जाता है। तो अपन ने क्या देखा, सात देश दिख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि सात स्थलीय देश हैं भारत की सीमाओं के, कितने स्थलीय सीमा से लगने वाले कितने देश हैं, सात देश हैं जिनमें सबसे अधिक सीमा लगती है किससे, बांग्लादेश से, और सबसे कम लगती है अफगानिस्तान से। इस बात को ध्यान रखना है।
अब एक बात और बात करें, ठीक है ना, थोड़ा सा अपन स्थलियों की बात की, तो स्थली कितने देश हैं? सात स्थलीय सीमा बनाते, सात देश कैसे हैं? स्थलीय सीमा बनाते हैं, ठीक, अर्थात भारत के सात स्थलीय पड़ोसी देश हैं, इन्हें पड़ोसी देश भी बोल सकते, कैसे? स्थलीय, स्थलीय पड़ोसी देश है, कैसे? स्थलीय पड़ोसी देश है। अगर हम जलीय सीमाओं की बात करें तो जलीय सीमा बनाने वाले भी सात ही देश है, ठीक, कुछ कॉमन है, कुछ दोनों में कॉमन होंगे, लेकिन सात देश ही क्या है, जल से भी सीमा बनाते हैं, ठीक, तो सात तो अपन ने देख लिए। अब हम करते हैं जलीय सीमा की बात, तो जलीय सीमा के लिए तुम्हें एक बात को समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा कि भारत की जलीय हिसाब किताब कैसा है, तो वो ऐसा है, थोड़ा सा यहां से समझते हैं कैसे, कि यहां पे अपन को पता है कि यहां पे एक देश है जिसका नाम है, श्रीलंका, जिसका नाम क्या है? श्रीलंका, ठीक, और एक यहां पे देश है जिसका नाम क्या है, क्या नाम है? मालदीव, क्या नाम है? मालदीव, यहां पे नाम है। अब यहां पे देखते हैं कि निचली वाला हिस्सा है ए वाला, ए वाला कौन सा है? हिंद महासागर का, मतलब हिंद महासागर कौन सा हिस्सा है? हिंद महासागर का हिस्सा है, जो भी पांच बड़े महासागरों में इसका नंबर आता है, ठीक, हिंद महासागर। ई वाले जो अगल बगल वाले समुद्र यहां का कौन सा है? अरब सागर, अक्सर में अपने इसको नीले उसमें देखते हो, और यहां पे क्या है? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ठीक, और यहां पे हम बात करें तो अपना यहां पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह फैला हुआ है, और यहां पे बात करें तो यहां पे इंडोनेशिया वगैरह फैला हुआ है नीचे, ठीक, और यहां पे भी कुछ देश हैं, यहां पे एक देश है जो अपना पड़ोसी बनाता है जिसका नाम है थाईलैंड, क्या नाम है? थाईलैंड, क्या नाम है? थाईलैंड। अब अपन गिनते हैं, गिनती करें कि भारत की स्थलीय देशों की संख्या, तो हमने क्या बताया कि भारत की स्थलीय देशों की संख्या कितनी है? सात है, लेकिन जलीय जो जल से सीमा बनाते हैं उन्हें जलीय सीमावर्ती देश कहते हैं, तो इनकी संख्या भी सात ही है। कैसे गिनवाते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ का बॉर्डर दिख रहा है, ठीक, यहाँ का पहले लिखे देते हैं यहाँ पे जलीय सीमावर्ती देश कौन से हैं, पहले नंबर एक बात करेंगे तो पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो स्थल और जल दोनों सीमा बनाता है, स्थल से यहां बना नहीं है लेकिन यहां वाली सीमा जल से बन रही है, तो पहला देश कौन सा हो गया? पाकिस्तान हो गया, ठीक। दूसरा देश कहां पहुंचेंगे? बिल्कुल अपन नीचे पहुंचेंगे हिंद महासागर वाले एरिया में, तो ये दूसरा हो गया मालदीव हो गया, कौन सा हो गया? मालदीव हो गया। तीसरा कौन सा हो गया नीचे? श्रीलंका हो गया, कौन सा हो गया? श्रीलंका हो गया, तो तीन तो ये गए। अब अपन इस तरह पढ़ते हैं, फिर बांग्लादेश एक ऐसा देश है जो स्थल और जल दोनों सीमा बना रहा है, तो इसकी बात करते हैं, कौन बना रहा है? बांग्लादेश, तो बांग्लादेश में भी कैसा है? बांग्लादेश भी कैसा हो गया? जलीय और स्थलीय दोनों से काउंट कर लेंगे इसको, क्योंकि स्थल से भी बना रहा है पाकिस्तान जैसा ही, तो जलीय सीमा में फिर कौन सा जाएगा? नंबर हो जाएगा बांग्लादेश का, ठीक, तो कितने हो गए? एक, दो, तीन, चार। अब बचा कौन सा अपना? म्यांमार, तो म्यांमार भी देखो स्थल से ही बना रहा और जल से ही बना रहा, तो अगला हो जाएगा पांचवें नंबर पे म्यांमार हो जाएगा, ठीक। और अगर छठवें नंबर की बात करें तो एक देश यहाँ पे है, कौन सा देश है? थाईलैंड पड़ता है इंडोनेशिया के ऊपर तरफ को, यहाँ पे क्या पड़ता है? थाईलैंड, तो थाईलैंड भी हो गया अपना पड़ोसी देश जो जल से सीमा लगाता है, जलीय पड़ोसी देश है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, स्थलीय वाले को साथ देख लिए। अब बात करते हैं यहाँ पे ए वाला देश है जिसका नाम क्या है? इंडोनेशिया, तो सातवें नंबर पे हो जाएगा इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, तो सात जलवर्ती भी हो गए और सात कैसे हो गए? सीमावर्ती हो गए। अब ये सात हो गए तो अपन ने क्या समझा? भारत की केवल स्थलीय और जलीय सीमाओं को समझा एक छोटे से वीडियो में, ठीक, तो आशा है कि समझ में आया होगा, और इनसे अपन दिशाएं भी ध्यान रख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।